हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड एकदम लेटेस्ट और मोस्ट अवेटेड अपडेट। जीएसटी एनुअल रिटर्न इनेबल कर दिए गए हैं जीएसटी कॉमन पोर्टल पर। आप जैसे ही जीएसटी कॉमन पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आते हैं अपने जीएसटी एन डैशबोर्ड पर, तो यहां आप देख सकते हैं यह एनुअल रिटर्न का टैब जो कि अब फुल्ली एक्टिव कर दिया गया है, यानी कि अब आप अपने जीएसटी एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न के इस टैब पर क्लिक करते हैं। टैब पर क्लिक करते ही फाइल एनुअल रिटर्न का यह पेज ओपन होता है जहां पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट अभी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ही शो हो रहा है और अभी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड एनुअल रिटर्न को ही फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 को सिलेक्ट रखते हुए क्लिक करते हैं सर्च के इस बटन पर। सर्च के इस बटन पर क्लिक करते ही हेल्प का यह एक सेक्शन शो होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जीएसटी एनुअल रिटर्न 4 टाइप्स के होते हैं, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9A, जीएसटीआर 9B और जीएसटीआर 9C, जहां जीएसटीआर 9 सभी जीएसटी रेगुलर टैक्सपेयर्स को फाइल करने की रिक्वायरमेंट है जिन्होंने कंसर्न्ड फाइनेंशियल ईयर के दौरान जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की फाइलिंग की हो, जबकि जीएसटीआर 9A कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड डीलर्स के लिए है, जीएसटीआर 9B ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है और जीएसटीआर 9C जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड फॉर्म है जिसे सभी जीएसटी रेगुलर टैक्सपेयर्स को फाइल करने की रिक्वायरमेंट है जिनका कंसर्न्ड फाइनेंशियल ईयर में एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक का है। तो फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट एनुअल रिटर्न के फॉर्म्स जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9A इनेबल कर दिए गए हैं, जहां जीएसटीआर 9 सभी जीएसटी रेगुलर टैक्सपेयर्स को मैंडेटरली फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड इन हेल्पफुल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर जीएसटी रेगुलर टैक्सपेयर हैं और आप अगर जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 निल फाइल करना चाहते हैं तो अब आप जीएसटीआर 9 को एज अ निल रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन साथ में बताया गया है कि आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी भी तरह की आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल नहीं की हो, आपने किसी भी तरह की इनवर्ड सप्लाईज यानी कि परचेजेस नहीं रिसीव की हो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपकी कोई भी लायबिलिटी ना हो और नहीं आपने किसी भी तरह का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हो, नहीं आपने किसी भी तरह का ऑर्डर किसी डिमांड से रिलेटेड रिसीव किया हो और नहीं आपने किसी भी तरह के जीएसटी रिफंड के लिए क्लेम किया हो। यदि आप इन सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो आप जीएसटीआर 9 की फाइलिंग एज अ निल रिटर्न कर सकते हैं। पॉइंट 2 में बताया गया है जीएसटीआर 9 ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है और साथ ही इसे ऑफलाइन भी फाइल करने की सुविधा है, जहां पर आपको ऑफलाइन टूल के जरिए जीएसटीआर 9 को प्रिपेयर करना पड़ेगा और फिर उसे पोर्टल पर अपलोड करके फाइल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जीएसटीआर 9 सभी जीएसटी रेगुलर टैक्सपेयर्स को फाइल करने की रिक्वायरमेंट है जिन्होंने ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एज अ नॉर्मल टैक्सपेयर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। पॉइंट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बताया गया है कि जीएसटीआर 9 की फाइलिंग के पहले आपको रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की फाइलिंग कंप्लीट कर लेनी है। और फ्रेंड्स, इन हेल्पिंग इंस्ट्रक्शंस के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी दिए गए हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जहां पर पॉइंट 1 में बताया गया है एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 एक बार अगर आपने फाइल कर दिया तो वह रिवाइज नहीं हो सकेगा। फ्रेंड्स, पॉइंट 2 में बताया गया है कि 28 फरवरी 2019 तक आपके सप्लायर्स के द्वारा आपको की गई सप्लाई से रिलेटेड उनके जीएसटीआर 1 में जो भी डेटा फाइल किए गए हो वही आपके जीएसटीआर 2A में ITC कंप्यूटेशन के लिए ऑटो पॉपुलेट होंगे। इसके बाद 31 मार्च 2019 तक के जीएसटीआर 2A का डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा और फिर भी अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस हो रहा हो जीएसटीआर 2A में तो आप इसके बाद के नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह है एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 का इंपॉर्टेंट टैब जहां पर आप देख सकते हैं ड्यू डेट शो हो रही है 30 जून 2019, यानी कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड एनुअल रिटर्न 30 जून 2019 तक फाइल कर लेने हैं। आप एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एट प्रेजेंट आपको बता दें कि ऑफलाइन प्रिपेयर करने की फैसिलिटी इनेबल नहीं की गई है और नहीं आप ऑफलाइन प्रिपेयर करने के लिए डाउनलोड के इस टैब
टैब पर क्लिक करके ऑफलाइन टूल में से GST-9 की यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकेंगे। और फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न के इस टैब के नीचे कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी दिए गए हैं, आइए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, जीएसटी एनुअल रिटर्न को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रिपेयर कर सकेंगे। फ्रेंड्स, जिन जीएसटी टैक्स पेयर्स के डेटा बहुत ही कम हो, वे ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपने जीएसटी एनुअल रिटर्न को, जबकि इस जीएसटी एनुअल रिटर्न की टेबल 17 और टेबल 18 के रिकॉर्ड्स या फिर लाइन आइटम 500 से ज्यादा के हों पर टेबल, तो आप जीएसटी एनुअल रिटर्न को ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू ही प्रिपेयर करके फाइल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ऑनलाइन प्रिपेयर करना है अपने जीएसटी एनुअल रिटर्न को, तो आपको यह कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्लिक करना है प्रिपेयर ऑनलाइन के इस बटन पर। इसके बाद GSTR 3B की तरह एक क्वेश्चनर का पेज आएगा, जहां पर कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे। वहां पर अगर आप जीएसटी एनुअल रिटर्न को एज ए नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आप यस सिलेक्ट करके आगे फाइल कर सकेंगे। आप अपने रेफरेंस के लिए ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड GSTR 1 और GSTR 3B की समरी को भी डाउनलोड कर सकेंगे। आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न के सभी टेबल्स को एज पर रिक्वायरमेंट फिल करना है और फिर कंप्यूट लाइबिलिटीज के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड टू फाइल के बटन पर क्लिक करना है और फिर जीएसटी एनुअल रिटर्न को DAC या फिर EVC के जरिए फाइल करना है। अगर आपकी किसी भी तरह की एडिशनल लाइबिलिटी रहती है, तो वह भी आप पे कर सकेंगे फॉर्म GST DRC 03 के जरिए, और वह लाइबिलिटी आप केवल कैश में ही पे कर सकेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न का फॉर्म ऑफलाइन प्रिपेयर करना है, तो जैसा कि हमने बताया, जीएसटी एनुअल रिटर्न के टेबल 17 और 18 में अगर आपके 500 से ज्यादा लाइन आइटम्स हो पर टेबल, तो आप केवल ऑफलाइन टूल के जरिए ही प्रिपेयर कर सकेंगे अपने डेटा को। आपको GSTR9 ऑफलाइन फाइल करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन होने से पहले डाउनलोड सेक्शन से जीएसटी एनुअल रिटर्न का ऑफलाइन टूल डाउनलोड करना है और उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। इसके बाद जैसे आप अपने GSTR 1 के लिए ऑफलाइन टूल को यूज करके JSON फाइल क्रिएट करते थे और उसे अपलोड करते थे, ठीक उसी तरह से GSTR 9 के ऑफलाइन टूल को भी यूज करके आपको अपने डेटा को प्रिपेयर करना है और फिर JSON फाइल क्रिएट करके उसे फाइलिंग के लिए अपलोड करना है। तो अब फ्रेंड्स, चलिए आते हैं एनुअल रिटर्न के फॉर्म GSTR 9 के इस टैब पर, जहां पर हम क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन के इस ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स, जो पेज ओपन होगा वह है GSTR 9 एनुअल रिटर्न फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर। यहां पर एक क्वेश्चनर भी दिया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि आप GSTR 9 की फाइलिंग एज ए नील रिटर्न कर सकते हैं अगर आप ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए इन कंडीशंस को फुलफिल करते हो। और सबसे अच्छी और हेल्पफुल बात कि आप अगर इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो और एज ए रेगुलर टैक्स पेयर GSTR 9 को नील रिटर्न फाइल करने के लिए यस के इस ऑप्शन को क्लिक करना चाहते हैं, तो यहां पर यस का यह ऑप्शन एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहां पर नीचे एक अलर्ट भी दिया जा रहा है कि रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में आपने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं की थी और आपके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न्स या स्टेटमेंट अदर देन नील फाइल किए गए हैं, इसलिए आप GSTR 9 को एज ए नील रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको यह नो का बटन सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के इस बटन पर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने GSTR 9 एनुअल रिटर्न फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर का कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाता है, जहां पर इन टोटल 13 टेबल्स दी हुई हैं और इन टेबल्स के ऊपर GSTR 9 को ऑनलाइन प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। यहां पर फर्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि आप GST एनुअल रिटर्न को फिल करने के बाद उसके ड्राफ्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड GSTR 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी PDF के इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद GSTR 9 को फिल करने के लिए एज ए रेफरेंस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के GSTR 1 और GSTR 3B की समरी को भी इन लिंक्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकेंगे। और फ्रेंड्स, अब अगर नीचे की ओर आते हैं, तो यहां पर GSTR 9 की टोटल 13 टेबल्स दी हुई हैं। इसके बाद इसके नीचे GSTR 9 को फाइल करने के लिए कुछ और स्टेप्स दिए गए हैं। इसके नीचे और थोड़ा आते हैं, तो यहां पर कंप्यूट लाइबिलिटीज का यह ऑप्शन है। जब आपका GSTR 9 फेल हो जाए और आपकी कोई लेट फीस वगैरह का कंप्यूटेशन करना हो, तो आप कंप्यूट लाइबिलिटीज के इस बटन पर क्लिक करके लाइबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड टू फाइल के इस बटन पर क्लिक करके EVC या फिर DSC के जरिए फाइल कर सकते हैं। आप अपने GSTR 9 के ड्राफ्ट फॉर्म को प्रीव्यू भी कर सकते हैं, जिसे आपको प्रीव्यू करने के लिए इस बटन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड GSTR 9 को फाइल करने के लिए काफी समय बचा हुआ है, तो आप जल्दबाजी ना करें, अपने डेटा को अच्छी तरह से प्रिपेयर और चेक करने के बाद ही अपने GSTR 9 को करेक्टली फाइल करें। और फ्रेंड्स, आने वाले समय में हम GST एनुअल रिटर्न से रिलेटेड डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं, जहां पर आपको हम दिखाएंगे कि GST एनुअल रिटर्न की इन सभी टेबल्स में क्या इन्फॉर्मेशन फिल करने की रिक्वायरमेंट है, जिसे हम
डिस्कस और शो करेंगे आपको वन बाई वन, और जीएसटी एनुअल रिटर्न की कंप्लीट फाइलिंग भी शो करेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड यह इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल अपडेट आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। सो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल बटन एंड स्टे ट्यून टू अवर चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया फॉर मोर अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।